वो मजेदार केक है, वो मजेदार केक है। चले जी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ये किचन में बन रहा है बहुत ही मजेदार सा चॉकलेट केक, जिसको बनाना इतना आसान है कि आप लोग यूं करेंगे और आप लोगों का चॉकलेट केक बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, बहुत सॉफ्ट, बहुत चले जी इनग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चीज लेनी है, दो कप लेने हैं मैदे के। जो मग होता है बड़ा होता है, मग नहीं लेना, जो कप छोटे वाला होता है ना वो लेवल करके बिल्कुल हम लोगों ने मैदे का ले लिया एक बड़े बोल के अंदर। अब इसके अंदर ही हम सब चीजें डालते रहेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ बोल लेके चीजें शामिल करते रहे, ताकि जब तक वीडियो खत्म होगी आप लोग का भी केक तैयार होगा, मेरा भी केक तैयार होगा। दो कप मैदे के अंदर हम लोगों ने 6 टेबल स्पून कोको पाउडर की शामिल कर देनी है। चीनी का साव हमने ऐसे रखना है कि हमने 5 टेबल स्पून भर के शक्कर के शामिल करने हैं, और 5 ही टेबलस्पून हम लोगों ने जो व्हाइट चीनी होती है उसको पीस के इस्तेमाल करना है, पिसी हुई इस्तेमाल करनी है, मोटी वाली नहीं इस्तेमाल करनी। चीनी को पीस लें और 5 टेबलस्पून भर के वीप शामिल करें, हाफ एन हाफ, आधी शक्कर और आधी चीनी। उसके बाद ये 1 टेबलस्पून हल्का सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जाएगा। कॉर्नफ्लोर डालने का ये मकसद होता है कि केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने। उसके बाद ये 2 टीस्पून हम लोगों ने बेकिंग पाउडर के डालने, बहुत ज्यादा भर के नहीं डालने, बहुत लाइट नहीं डालने, बैलेंस से करके 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद जी 1/2 टीस्पून कॉफी पिसी हुई और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये चेक करें जी, ये इसके अंदर चला गया। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने एक बोल के अंदर शामिल कर लिया। सारी ड्राई चीजों को एक बोल में हमने इस तरह शामिल कर लेना है और इसको एक बार हिला के इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानना मत भूलिएगा, छानने वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी सारी ड्राई चीजें आ गई हैं, अब मैं इसको छान के वापस आती हूं। जी देखें सारा छान लिया है, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, ये हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। देखें जी हर चीज हमने अच्छे तरीके से छान ली है। अब हमने अगला बोल लेना है, इसके अंदर 1/2 कप हमने नीम गरम दूध का शामिल करना है। ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर में हो या 20 सेकंड्स पे आप लोग माइक्रोवेव में गरम कर लें। अब जी 2 अंडे, 1, ठीक है। अंडे भी रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिज में से निकाल के नहीं इस्तेमाल करने। अगर फ्रिज में पड़े अंडे तो आप लोग आधा घंटा पहले अंडे निकाल के रख लें, ठीक है। अब डलेगा जी वनीला एसेंस, इसके हम डालेंगे 5-6 कतरे, बहुत है, 5-6 से थोड़े ज्यादा ही चले गए, वो भी ठीक है, ठीक हो गया। फिर जी इसके अंदर जाएगा 1/2 कप पानी, ये भी हमने नीम गरम ही शामिल करना है। अच्छा, दूध, अंडे, पानी, हर चीज गर्म होनी चाहिए, मतलब कि रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। कोई भी चीज हमने फ्रिज से निकाल के इस्तेमाल नहीं करनी, या इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। चलें जी सब इंग्रेडिएंट्स हो गए, अब हम इसको हिलाएंगे। कितने गया? चलो काउंटिंग मत से हिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर देना है, हर चीज यंग जहां हो जाए। अब ये हमारा आ गया लिक्विड और ये हमारा आ गया पाउडर। जी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पाउडर उठा के हम लिक्विड वाले बैटर में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं ना वो ले आऊ, नहीं है, मिल गया मिल गया मिल गया। ये देखें जी, ये अब जा रहा है। बस जी एक चीज का ख्याल रखना है, ये ओवर बीट या ओवर मिक्स ना हो। केक जब ओवर बीट या ओवर मिक्स हो जाता है ना, उसको तकलीफ हो जाती है। अच्छा जी ये देखिए, मैंने हाथ की मदद से ही मिक्स कर लिया है, कंसिस्टेंसी आप लोग इसकी चेक कर लें। अब ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के। चलें जी अब इसको बेक करते हैं। सबसे पहले बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके नीचे ऑयल लगाना है, सारा मिक्सचर इसके अंदर पोर कर देना है। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ओवर बेक बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही आपको लगे केक तैयार हो गया, उसको ओवन से बाहर निकाल लेना है। हम लोग क्या करते हैं, केक जब बेक हो जाता है ओवन बंद कर देते हैं, लेकिन केक को ओवन से बाहर नहीं निकालते, ये गलती नहीं करनी। फ़ौरन केक को भी बाहर निकाल देना। अब बनाते हैं जी गनाश। हमने एक पूरी कुकिंग चॉकलेट ले ली है, जो एक बार होती है, इसको क्यूब्स में काट दिया है। नीचे हमने पानी लिया है, अब इसको हम हिलाएंगे। जब थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर 3 टेबल स्पून हम बटर के शामिल कर देंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर एक जो छोटे क्रीम का पैकेट होता है फुल हमने डाल देना है, अच्छे तरीके से। 1.5 पैकेट भी डाल सकते हैं अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है।
मैंने एक पूरा डाला था। उसके बाद जी चूल्हे से उतार लेना है, जैसे इसके अंदर हमने क्रीम डालनी है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे गोल गोल और ये जी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही शाइनी सी। ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारा केक भी बेक हो गया है, अब मैं आप लोगों को केक दिखाती हूँ। ये देखिए जी केक बेक हो गया, लेकिन इसका थोड़ा सा सींग निकल आया था, इसको हम फिक्स कर देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये देखिए जी इसको हमने मोल्ड से निकाल दिया, दरमियान से इसको कट किया। अब आप लोग लेयर्स चेक कीजिएगा, सबसे पहली लेयर ये है जो दरमियान से कट किया, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर नीचे वाली ये है, जो ऊपर इसका सींग निकल आया था उसको मैंने निकाल के फ्लैट कर दिया था। ये अब चाय के साथ खाया जाएगा, अब्बू को चाय के साथ सर्व करते हैं, अब्बू को वैसी क्रीम अच्छी नहीं लगती, वो सूखा सूखा खाना पसंद करते हैं और फिर चाय के अंदर डबो डबो के खाते हैं गीला करने के लिए। ये जी बड़ा ज़रूरी स्टेप है, मिस नहीं करना। हमने 3 घूंट पानी के लेने हैं, उसके अंदर 2 टीस्पून हमने पिसी हुई भर भर के चीनी शामिल करनी है और सारा पानी केक के ऊपर डाल देना है आराम आराम से। और कोशिश करनी है साइड्स पे ज़्यादा पानी डले, क्योंकि साइड्स केक की थोड़ी सी हार्ड होती हैं और दरमियान से सॉफ्ट होते हैं, हमने साइड्स को प्रॉपर कवर करना है। ये देखिए आराम आराम से करें और इसको सोक होने का टाइम दें। जब हमने इसके ऊपर पानी की लेयर करनी है, हमने 1 से 2 मिनट इंतज़ार करना है और फिर हमने इसके ऊपर जी चॉकलेट की लेयर लगानी है। ये देखिए अब हम चॉकलेट की लेयर लगाएंगे आराम आराम से, हल्के हल्के हाथों के साथ। अगर आपका केक टूट भी गया ना तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जब इसकी आइसिंग वगैरह उसके ऊपर चॉकलेट लग जाती है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता और बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है। इसलिए परेशान नहीं होना, हल्के हाथों के साथ केक को ठंडा होने का इंतज़ार करना है, गरम गरम केक के साथ नहीं करना। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैं गरम के साथ कर रही थी, लेकिन आप लोग का केक जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब आप लोगों ने सारे स्टेप्स करने, तो केक बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। दोनों केक की लेयर्स के साथ सेम स्टेप करेंगे, सबसे पहले पानी डालेंगे चीनी वाला, फिर ऊपर आइसिंग कर देंगे। ये देखिए जी एंड पे डेकोरेशन कर दिया। अच्छा मैं केक की आइसिंग के मामले में ना बहुत निकम्मी हूँ, मेरी जान जाती है इसकी आइसिंग करते, मुझे होता है फटाफट फटाफट आइसिंग हो जाए और मुँह के अंदर केक चला जाए। ये देखिए जी जितना मुझसे हो सका मैंने किया। उम्मीद है आप लोग को आज का केक बहुत अच्छा लगा होगा, रेसिपी बहुत आसान लगी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से किचन में जाना है, रेसिपी ट्राई करनी है और मेरे साथ रिव्यू लाजमी शेयर करना है। एक टिप यहाँ पे दूंगी, अगर केक टूट जाता है तो कोई मसला नहीं, इसको बिल्कुल हल्का हाथ लगाएं और केक का ठंडा होने का इंतज़ार करें, फिर सारे स्टेप्स करें तो केक बहुत अच्छा बनेगा। और ओवर बेक होने से बचाना है, अगर किनारे ज़्यादा ओवर बेक हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है, छुरी की मदद से वो एक्स्ट्रा बेक हुई जी क्रिस्पी क्रिस्पी पार्ट ना केक का उतार दें। चलें जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी आप लोग रेसिपी ट्राई करें और मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार कर रही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके जी, रब रखा।